नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और लेकर आया हूं जनता का मूड। जनता का मूड किस बार लोकसभा चुनावों में जनता क्या सोच रखती है और किस पार्टी के पक्ष में अपना मत देने जा रही है या अपना मूड बना चुकी है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आखिर ये जनता क्या सोचती है और किस प्रत्याशी में क्या खूबियाँ देखती है, यही सब जानने के लिए हम निकले हुए हैं और हम पहुँचे हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र में, जहाँ पर पिछले दो चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी जीते हैं जसकौर मीणा और उससे पहले हरिश्चंद्र मीणा जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो आइए चलते हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र में और जानते हैं यहाँ की जनता का मूड। इस समय जनता का मूड जानते हुए पहुँचे हैं दौसा मुख्यालय पर और दौसा में पिछले तीन लोकसभा चुनाव में यदि देखें तो इससे पहले वाले जो अभी हाल में 2019 में जो चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी की जसकौर मीणा चुनाव जीती थी, उससे पहले हरिश्चंद्र मीणा चुनाव जीते थे और वो भाजपा से ही थे, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। उससे पहले डॉक्टर किरोड़ी मीणा यहाँ से निर्दलीय जीते, तो और उससे पहले यहाँ पर राजेश पायलट भी रहे, सचिन पायलट भी रहे, उनकी माँ रमा पायलट भी यहाँ से सांसद रही, नवल किशोर शर्मा भी यहाँ से सांसद। तो कुल मिला के भाजपा और कांग्रेस की सीट रही है, लेकिन इस बार जसकौर मीणा का टिकट काटते हुए भाजपा ने चार बार के बस्सी विधायक रहे कन्हैयालाल चौधरी को यहाँ से टिकट दिया है। तो जान लेते हैं लोगों से कि यहाँ की जनता क्या सोचती है इस बार इन चुनावों में। एक चौपाल है, चाय की चौपाल है, इस पर बात कर लेते हैं। विकास की बात कराया अभी तो पिछले 5 सालों में सांसद कोसू कितना विकास हुए हो? सांसद कोसी 2 साल नील हुआ सर। नील हुआ है, लंबा तो नील हुआ है। अच्छा, अच्छा, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। राजस्थान में जो गहलोत की सरकार थी उसने कितना काम करवाया? उन्होंने काम करवाया, मुरारीलाल जी ने काम तो करवाया, विकास करवाया 2 साल में, ऐसी कोई बात। आपका नाम क्या है? मेरा कृष्ण कुमार है सर। अच्छा कृष्ण कुमार जी, क्या लगता है आपको इस बार पूरे देश में, अगर जो जैसे सब कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि 4 जून 400 पार, आपको क्या लग रहा है? अब ये तो कोई शॉर्टी नहीं है साहब, देखो पब्लिक है ना, परिवर्तन भी चाहिए। अच्छा, और हमारे जो मुरारी लाल जी हैं उन्होंने काफ़ी अपने कार्यकाल में, विधायक के कार्यकाल में काफ़ी मतलब जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के काम कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो भावना तो है, बाकी जीता तो चाय पे चर्चा हो रही है तो मुझे लगता है कि अभी चाय वाले के पक्ष में तो कुछ है नहीं। इधर देश ये कह रहा है कि सब नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, आपका क्या कहना है? अब मैं तो यही कहूँगा साहब, मतलब जो है ना, जो मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन अब जनता की क्या भावना रहेगी? विकास के नाम पे जीरो मानते हैं साहब, विकास के नाम पे वोट डाले जाएंगे, विकास के नाम पे वोट डाले। अच्छा, राम मंदिर, देश की सुरक्षा, ये इन चुनाव में मुद्दे नहीं होते? नहीं हो सकता साहब, हम राम मंदिर में प्रत्यक्ष दर्शी हैं, देख के आए हैं, दर्शन करके आए, अयोध्या भी आए हैं 3 रोज पहले। तो क्या लगता है और क्या मुद्दे हो सकते हैं यहाँ की जो सांसद थी जसकौर मीणा? मुद्दे होने चाहिए पानी, बिजली, सड़क, रोड, स्कूल, कॉलेज, ये होने चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, अभी ERC का मुद्दा तो भाजपा सरकार ने निपटा दिया, तो ये क्या भाजपा के पक्ष में जाएगी बात? यहाँ तो केवल जातिवाद फैक्टर चलेगा। भाई साहब एक चीज़ बताओ, इन्होंने एक बहुत अहम बात कह दी अभी है ना, और कि जातिवाद, क्या वास्तव में भारत में जातिवाद की राजनीति होनी चाहिए? गुजर मीणा, ब्राह्मण बनिए, मुस्लिम हिंदू, ये सब होने चाहिए या विकास की बात होनी चाहिए? नहीं, विकास की बात होनी चाहिए, विकास पे होना चाहिए, विकास पे होना चाहिए। हाँ। फिर क्यों हम जाके जब चुनाव में जाते हैं तो भाई ये मीणा है, ये गुजर है, इसको वोट देना है, फिर ये बात क्यों आ जाती? नहीं, यहाँ तो दोनों मीणा है। मैं तो एक जनरल बात कहता हूँ, जनरल बात कहता हूँ, हिंदू है ये मुस्लिम, जातिवाद की बात नहीं है, लेकिन बात तो विकास की है। तो अब यहाँ की जनता जो है परेशान, सबसे ज़्यादा पानी के लिए परेशान है, पानी से बहुत ज़्यादा परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है। अब तो ERC से शायद वो मुद्दा सुलझ जाना, तो अभी तो आया ही नहीं है ना, तो पानी 10 साल हो गए कहते हुए। अच्छा एक वो, क्योंकि मुरारी जी खड़े हो गए, कन्हैया जी खड़े हो गए, एक नरेश मीणा और खड़ा हो गया, तो भाई जी आप क्या कहते हैं उस बारे में कि उसका नुकसान होगा कहीं कांग्रेस को होगा? किस चीज़ का? नरेश मीणा के खड़े होने का? नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा आप इतने सालों से इस क्षेत्र में हैं, ठीक है, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, वोट भी डाल रहे हैं,
इस दौसा जिले की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, न कांग्रेस ने की न पानी की है, जो पानी की आज तक पूरी हुई नहीं और अभी मतलब कोई उम्मीद दिख नहीं रही है हमारी। बजरी बंद कर दी, पत्थर बंद कर दिए, बेलदार रोड पाके उनको सुबह का आटा का मालूम नहीं है, शाम का आटा का मालूम नहीं है, कैसे आटा मजदूर कैसे काम करता है, बेरोजगार बंद है, बिल्कुल रोजगार बंद है। आप जान रहे हो रोजगार आएगा तो शहर भी चलेगा, अब किससे कहेंगे साहब, आप बताओ। आपके पास जो आपके पास हम जाके रोएंगे तो आप क्या कहोगे, हम केंद्र से बोलेंगे साहब, अब केंद्र किसके पास आएगा बताओ, आप मेरे को बताओ जवाब दो, केंद्र किसके पास आएगा, हम तो आपके पास जाने रोने लगे। यही हम कहते हैं कि जनता के वोट की जो ताकत है वो उसके कलोट मार जाते, वोट लेने तो जब तक पैर पकड़ते हैं और वोट लेने के बाद में कलोट मार जाते, इसको जनता से काम नहीं है, उसके बच्चा बच्चे पढ़ना चाहिए। ये आक्रोश है इस जनता का और उन राजनेताओं के प्रति जो पलटी मार जाते, अपने वादों पे नहीं रहते, वादे अगर करें तो निभाए जाने चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। उन्होंने आप लोगों के समाज के लिए, समुदाय के लिए क्या कर लिया है? गाड़ियां लवार पहले भी बिछड़े हुए थे, आज भी बिछड़े हुए, महाराणा प्रताप के वंशियों को कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। आप लोगों की समाज ने क्या मूड बनाया इस बार? समाज ने हमारे युवा संगठन बनाया है जो समाज के अंदर विकास करना चाहते हैं। हम पहले भी सरकार से निवेदन कर रहे थे कि जो गाड़ियां लवा रहे हैं उनको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है जिसके अंदर विकास आ सके। तो फिर किसके समर्थन में जाएंगे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, किसके समर्थन में जा रहे हो? अभी तो हमारे ऊपर हमारे अंदर तो जो विकास करेगा उसके समर्थन में जाएंगे हम, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इस समय हम हैं दौसा कोतवाली के बाहर, बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ की जनता का मूड क्या है। भाई वोट वोट डालते हो? जी सर। वोट देने जाओगे तो मुद्दे क्या रहेंगे, दिमाग में मुद्दे क्या रहेंगे कि किसको देना है, कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, राहुल गांधी जैसा चाहिए, या फिर ये चाहिए कि साहब हमारे दौसा क्षेत्र का विकास नहीं हो, तो क्या सोच के वोट देने जाते हो? हम तो ये सोच के देने चाहते हैं कि भाई जो अपने मतलब कि जो अपना देश का विकास करें, जो अपना देश को आगे लाना चाहिए उसको वोट देना चाहेंगे हम। अच्छा, उसको वोट दो। तो विकास किस तरह का चाहिए? विकास युवाओं के लिए विकास चाहिए या देश की रक्षा जैसा विकास चाहिए कि सब कुछ यहाँ पे बने, या फिर ऊंची ऊंची इमारतें चाहिए, कैसा विकास चाहिए? ऊंची ऊंची इमारतें का अपने को कोई जरूरत नहीं है, अपन को ऐसा विकास चाहिए जो नीचे की जाति है या नीचे तबके के लोग हैं उन सबको साथ में लेके चले हम। विकास की बात हो रही है तो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक को चाहिए नौकरी, मतलब जो युवा पीढ़ी है रोजगार चाहिए, वो रोजगार मिल नहीं रहा। अच्छा, इस पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, आप यहाँ के ही हैं जी, इस दौसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्या लगता है आपको, जो पिछले 5 साल यहाँ बीजेपी के सांसद रहे जसकौर मीणा या उससे पहले हरीश मीणा यहाँ पे बीजेपी के सांसद रहे, इन 10 सालों में 10 साल ही नरेंद्र मोदी सरकार को हो गए, क्या लगता है दौसा का विकास हुआ जितना होना चाहिए था? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। जो अभी बीजेपी ने जो डिक्लेयर किए हैं कन्हैया लाल जो मीणा है, वो उनको जानते हैं आप लोग? जानते हैं सर, उनसे अप्रोच तो स्वभाव बहुत अच्छा है। बाबू जी, आप भी बहुत सारे चुनाव देख लिए होंगे, आप क्या कहते हो इस बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। जो सब कह रहे हैं कि साहब 400 पार हो जाएगी, आप सहमत है उससे? निश्चित सहमत है, निश्चित पार, 400 पार होगी। राजस्थान का क्या लग रहा है? राजस्थान के पूरे 25 पूरे 25। आप क्या कहते हैं भैया कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा हुआ इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में? पूरे लोकसभा में डेवलपमेंट हुआ है और पूरे देश में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश में विकसित देश बनाया है, देश में कहीं कमी नहीं है। आज विकास को लेकर, हर मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी बेस्ट इस प्रधानमंत्री। अच्छा, इस भजनलाल सरकार को, राजस्थान जो नई भाजपा सरकार में 60 दिन हो गए, 60 दिन से ज़्यादा हो गए, अभी तो आचार संहिता लग गई, क्या मानते हो 60 दिन का काम कैसा मानते हो? 60 दिन में अच्छे काम किए सर, कांग्रेस ने जो सारे काम गलत किए हैं उन मुद्दों को लेकर सरकार काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। अच्छा, चलिए आगे भी काम करेगी। एक और भाई साहब बात करते हैं, भाई साहब नाम क्या है? प्रेम कुमार जोशी। प्रेम जी, क्या लगता है इस समय जो राजनीति है उसमें कोई प्रेम है, भाईचारा है? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के आने के बाद में, पहले 50 सालों में सांप्रदायिक दंगे होते थे, पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक दंगे करवा के आपस में हम भाई लोगों को मरवा के अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे, लेकिन गत 15 वर्षों में हमने देखा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई ऐसा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्योंकि आपके हाथ में बीजेपी का झंडा है तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता है इसलिए बीजेपी की भाषा बोलेंगे, लेकिन एक आम नागरिक की तरफ बोल के बताइए
कि क्या वास्तव में राजनीति में जातिवाद होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, इस तरह की राजनीति भारत में चाहिए? नहीं, जातिवाद भी नहीं होना चाहिए, धर्म भी नहीं होना चाहिए, सबको समान भाव से लेकर चलना चाहिए, ऐसी राजनीति होनी चाहिए जो कि एक नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अपने देश को। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, लेकिन जो अपने देश को, भारत देश को विश्व में जो पहचान मिली है वो सिर्फ इन 15 सालों में ही मिली है। भाई नाम क्या है? सोनू। वोट डालते हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? दोसा के। दोसा के? दोसा के हो। तो क्या लगता है यहाँ पर सड़के वड़के सब काम सही चल रहे हैं? सही चल रहे हैं। कौन जीतेगा, नरेश मीणा, मुरारी मीणा, कन्हैया मीणा? कन्हैयालाल। सबसे बड़ी आवश्यकता है दोसा में पानी की, एक बूंद पानी नहीं लाया, पूरे 5 साल खराब कर दिया उसने। दोसा को पानी की आवश्यकता है। सर ऐसे बोल रहे हैं कि क्या नाम से यहाँ पे पानी नहीं आया, तो फिर पब्लिक जी कैसे रही है? बिल्कुल पानी नहीं। मुरारी जीत के जाएगा यहाँ से। पब्लिक 700 रुपए का टैंकर खर्च करके पब्लिक जी रही है। मुरारीलाल जी ने यहाँ से, कन्हैयालाल जी मीणा जीतेंगे। पहले भी बीजेपी के शंकरलाल जी शर्मा ने दोसा को पानी पिलाया था बिसलपुर का, पूरी उन्होंने बोला था भाई मैं दोसा को पानी पिलाऊंगा, और उन्होंने पिलाया था, और अब भी कन्हैयालाल जी पिलाएंगे और दोसा में पानी लेके आएंगे। नरेश मीणा से कांग्रेस को नुकसान होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा सर, 1% ही नहीं होगा। चलिए भाई जी, नाम क्या आपका? तैयब हुसैन। हुसैन साहब, क्या लगता है आपको कि इस बार चुनाव में यहाँ की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? मूड तो दोनों पार्टी बराबर सही है। अब ये तो कम से कम ये ज्यादा भी हो सकती है एक तरफ वोटिंग। लास्ट में 4 तारीख को परिणाम किधर की निकलने की संभावना? अभी तो समय बताएगा किसका भारी परिणाम। देश में प्रधानमंत्री कैसा चाहिए आपको? बढ़िया चाहिए हमको तो। भाई जी नाम क्या आपका? दिनेश शर्मा। अच्छा शर्मा जी, क्या लगता है इस बार आपको जो दौसा लोकसभा क्षेत्र का जो मतदान होगा उसमें यहाँ की जनता क्या सोच कर रखी हुई है? जनता तो यही सोच रही है कि बीजेपी को देंगे सपोर्ट। तो आपको लगता है कि राजनीति में जातिवाद नहीं होना चाहिए? बिल्कुल सत्य बात है, कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए। वो जनता का लीडर होता है, नेता होता है, तो उसको हमेशा केवल पूरे समाज को लेते हुए ही किसी चीज़ का डिसीजन करना चाहिए। अच्छा, देश को किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए? नरेंद्र मोदी जैसा। क्या खासियत है नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति को अच्छी कर रखा है, अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा कर रखा है, जगह जगह अच्छी अच्छी योजनाएं चला रखी है, हर व्यक्ति का ध्यान रखता है, हर वर्ग का ध्यान रखता है। अच्छा, जो कह रहे हैं कि साहब राजस्थान में 25 सीटें आ जाएंगी, देश भर में 400 सीटें आ जाएंगी, आपको लगता है? आज के इस तरह के माहौल को देखते हुए तो उम्मीद है। आपका नाम क्या है? नटराज शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आप भी शर्मा जी, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ही घर में अलग अलग मत हो जाते हैं, होने भी चाहिए, अपना सबका अधिकार है ना, स्वाधिकार है, सोचने का है, आपको क्या लगता है इस समय जो माहौल बन रहा है उसमें यहाँ दोसा की जनता क्या सोच के रखी है, जनता का मूड क्या है? देखो, जनता विकास चाहती है और दोसा में सबसे बड़ी समस्या है जल की। जैसे पानी की, तो अभी ERCP का जो समझौता हो गया तो भाजपा ने कर दिया, वो तो ठीक है, वो तो आएगा जब आएगा ना सर। अभी वर्तमान की स्थिति में जो ये अभी गर्मियों में कुछ तो पानी आए भाई, जो वहाँ से आ रहा है वो नियत सप्लाई तो हो, अब वो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए और आम जनता को फायदा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। चलिए, ये पानी चाहते हैं दोसा के लोग, पानी चाहते हैं, ERCP का हालांकि मसला सुलझ गया जिस तरह से MOU हुआ है, लेकिन जो गर्मियाँ अभी हैं उसमें यहाँ की जनता पानी के लिए यूँ कह सकते हैं कि परेशान है। और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, हम किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ की जनता क्या सोचती है इन चुनावों को लेकर और उनका मूड क्या है कि किस करवट वो बैठ सकते हैं। आइए चलते हैं। जनता का मूड जानते हुए हम पहुँचे हैं दौसा लोकसभा क्षेत्र के ही बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर इस बार जनता ने अपना मूड बदलते हुए भाजपा के पक्ष में वोट दिया और भाजपा के ताराचंद जी को जिताया। उससे पहले कांग्रेस के GR खटाना यहाँ पे विधायक थे, हम कुछ लोगों से बात कर लेते कि इस बार उनका मूड क्या रहने वाला है, या कुछ भाई हैं इनसे बात करते हैं। भाई नाम क्या है आपका? कैलाश सैनी। कैलाश जी कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस ने तो मुरारीलाल जी को दे दिया टिकट, भाजपा ने कन्हैयालाल जी को दे दिया और एक और विद्रोही खड़ा हो गया, मतलब विरोध करके, नरेश मीणा, क्या लगता है अब इन दिनों के बीच में क्या लगता है? हम सब मुरारीलाल जी को ही वोट देंगे। कारण क्या मानते हो आप इसकी? मावन क्या, हमारे यहाँ के रहने वाले भी हैं, बढ़िया आदमी है, यहाँ के पहले विधायक रह चुके हैं बांदीकुई के, और बढ़िया आदमी है।
अच्छा, विकास पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में कितना हुआ? कांग्रेस का कार्यकाल में बढ़िया विकास हुआ है। अभी बीजेपी तो आई है, इसका तो कोई पता नहीं है। पहले बांदी कोई बीजेपी थी भी नहीं, पहले अलका जी के टाइम में थी, उस टाइम कुछ हुआ था। इसके बाद में अपने जी आर खटाना जी आ गए, उनने बढ़िया काम करवाया, बढ़िया रोड नालियाँ निकलवाई थी, बढ़िया काम किया। अभी भागचंद जी आए हैं, अभी इनका क्या पता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को कैसे आंकते हो? ना, नरेंद्र मोदी बढ़िया आदमी है और वोट उनको ही जाना चाहिए, पर यहाँ हमारे थोड़ा वो हो रहा है, इसलिए हम वोट कन्हैया इनको देने चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कन्हैयालाल जी का नाम दिल से निकल गया? नहीं 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 नहीं, मुरारीलाल जी, मुरारीलाल जी। चलो, इनका तो व्यक्तिगत हो गया। भाई, तुम यहाँ के ही हो, वोट वो डालते हो? डालते हैं ना वोट। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बांदीकुई के। बांदीकुई के, क्या लगता है इस बार? क्या लगता है इस बार बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी के कौन है कैंडिडेट? कन्हैयालाल जी को? हाँ जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी को जानते हो? हाँ जी। सुना है उनको कभी? खूब सुना है। क्या क्या लगता है उनके बारे में? मोदी आएगी अब की बार 2024 में। इस बार भी, इस बार इनके हिसाब से ही मोदी। अच्छा, एक बार ये भाई साहब हैं, फलवल बेचते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई जी, नाम क्या है आपका? रामलाल जी। रामलाल जी, क्या लगता है इस बार, कन्हैयालाल या मुरारीलाल? क्या एक और आ गया वो नरेश मीणा? हम तो मुरारीलाल जी के खास आदमी है, मुरारीलाल जी को ही समर्थन करेंगे। अच्छा, कारण क्या है? विकास, आप जब वोट डालने जाते हो तो विकास देखते हो, प्रत्याशी देखते हो या फिर नरेंद्र मोदी का काम देखते हो? प्रत्याशी भी सही है, मुरारीलाल जी हमारे हिसाब से। बांदीकुई की जनता है, क्या सोच रही है सर? अभी मुरारीलाल तो पहले काफ़ी दिन पुराना है, हो सकता आ जाए। और वैसे लहर तो साहब मोदी लहर है, और मोदी भी आ सकते हैं, देव कन्हैयालाल भी आ सकता है साहब, ये बात है देव। अच्छा, तो नरेश मीणा के भी बागी होने से कोई फर्क पड़े? ना ना साहब, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब वो तो चल रही है यार, मोदी लहर जो है ये वही चल रही है साहब, और क्या बताएं आपको, ये बात है। इनके हिसाब से चांस अभी बराबर से है, लेकिन मोदी लहर को मानते जरूर है। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम माही गुजर है सर। माही भाई, ये तो देखो इलाका गुजरों का रहा पहले राजेश पायलट के समय से, फिर हालांकि ये जब सीट सुरक्षित हो गई तिगरोड़ी मीणा, फिर हरिश्चंद्र जी, फिर जसकौर मीणा, अब क्या लगता है अब कौन से मीणा? अब अभी के जो आंकड़े हैं और जो उम्मीदवार सभी के सामने आए उनको देखते हुए तो मुरारीलाल मीणा जी का ही नाम क्षेत्र में चल रहा है, क्योंकि एक तो उनका यहाँ लोकल में अच्छा प्रभाव है, पहले यहाँ के एमएलए रहे हैं। क्या लगता है बांदीकुई की जनता क्या सोचती है? इस बार दोनों ने जब विधानसभा चुनाव में तो भाजपा वाले को जिताया था, अब क्या सोचती है? अभी भी वही है बीजेपी। बीजेपी, कारण क्या मानते हो? क्योंकि ये कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जसकौर मीणा कभी आई नहीं यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो आए नहीं, गारंटी मोदी की है। अच्छा, मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं हम, देखना चाह रहे हैं। हाँ, इन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि देश, मतलब ये लोग, जीत देश पहला है, देश पहले है, बाकी सब बाद में। एक और भाई इनसे बात करते हैं, नाम क्या है? मनीष मेहता। मनीष, कहाँ के रहने वाले? बांदीकुई। बांदीकुई के, क्या लगता है? जसकौर जी हमारे यहाँ की लोकल मतलब सांसद रही है, लेकिन 8 विधानसभा में 8 बार भी नहीं गई होंगी, और बांदीकुई में तो ऐसा कोई काम किया नहीं उन्होंने। 8 विधानसभा क्षेत्र है, उनमें चुनाव यहाँ पर 19 अप्रैल को डाले जाएंगे, तो इतने समय नहीं है कि हम सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में जाएं, लेकिन कुछ चावल हम देखकर ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि जनता का मूड क्या होगा। क्या लगता है आपको यहाँ बांदीकुई की जनता का मूड क्या नज़र आ रहा है? बांदीकुई की जनता का तो मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा, बाकी अपना पूरा सपोर्ट मोदी जी को। मोदी जी को एक उन्होंने नारा दिया कि 4 जून 400 पार, कितना सच हो जाएगा वो, क्या लगता है? 100% सच है। कारण क्या मानते हैं? उनकी जो सोच है देश के प्रति, वही मूल कारण है। क्या लग रहा है इस बार आपको कि जो चुनाव हुए 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे, यहाँ बांदीकुई की जनता का मूड किस ओर जाने की संभावना है? यार, लोग आज देख सुनने को ये लग रहा है कांग्रेस ही ज़्यादा है। कांग्रेस ज़्यादा इस बार, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी थी, उससे पहले बार भी हरीश जी मीणा बीजेपी से थे, तो इस बार क्या बदला हुआ है ऐसा? मतलब एक तो नौजवान बेरोजगार पढ़ा लिखा ज़्यादा है, और उसको कोई नौकरी नहीं मिली, सड़कों पे डोल रहा है, ठोकरें खा रहा है घर घर की, कोई इस पे ध्यान नहीं दे रही गवर्नमेंट। मतलब ये बेरोजगारी रोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसा आपको लगता है ये जो फाटक वाला है, आगरा फाटक वाला इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है इस बांदीकुई के लिए? हाँ। क्या चुनाव में ये चीज़ ध्यान रखी जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है जब वोट देने जाते हैं लोग? कोई नहीं रखता इसका ध्यान, कोई नहीं रखता। जब जनता ही अगर वोट इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेगी तो नेता रखेंगे, आपको लगता है नेता रखेंगे? कोई नहीं रखेगा। अच्छा, तो क्या संभावना लगता है इस बार जो बांदीकुई के लोग हैं किसके पक्ष में जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या कांग्रेस या कोई दूसरा? जाऊँगा तो मोदी के पक्ष में ही।
भाई साहब ये देखो काम तो कर रहे हैं लेकिन इनका ध्यान पूरा है और इन्होंने कह दिया है कि मुझे जाना तो है मोदी के पक्ष में। कहीं लगा जी बार भाजपा कांग्रेस मुरारी लाल जी कन्हैया लाल जी या नरेश मीणा कहीं लगा? अब ये तो साहब अब आने तो टाइम पे पता चलेगा कि भाई कौन जीतेगा कौन नहीं आ रहेगा, ये तो माहौल पब्लिक। अच्छा, एक चीज बताइए, बिल्कुल सही कहा आपने कि माहौल जनता का मूड होता है, बदल कैसा क्या होता है। डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, विकास की बात कर लेते हैं, पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ होगा इस बांदीकुई क्षेत्र में? विकास तो हुआ ही है, उतना जितना होना चाहिए था उतना तो खैर नहीं, लेकिन फिर भी विकास तो किया ही है उन्होंने, विकास किया है। अच्छा, अब उनका टिकट काट के कन्हैया लाल जी को दे दिया, आप लोग कभी मिले कन्हैया लाल जी से इस क्षेत्र में? नहीं, मैं नहीं जानता, भाई फिर से नहीं जानता उसको कौन से। अच्छा, मुरारी लाल जी आते रहे इस क्षेत्र में? हाँ, मुरारी लाल जी तो यहीं के लोकल हैं, वो तो आते ही रहते हैं जाते ही। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा मुरारी लाल जी के पक्ष में जाने का लोगों का यदि जाते हैं तो? ये तो साहब देखो एंड टाइम पे पब्लिक का मूड है, इसको तो कौन। अच्छा, नरेंद्र मोदी का काम कैसा लगा? और हाल तो उनका काम बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है, कोई ऐसा नहीं। चलिए, तो लोग नरेंद्र मोदी को फिर से चुनना चाहेंगे या फिर कोई दूसरा नया प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं, क्या लगता है? तो देखो मतलब पब्लिक चाह तो नरेंद्र मोदी को ही रही है। क्या लगता है इस बार जनता का मूड किधर जा रहा है? जनता का मूड तो इस बार तो अलग जा रहा है। किधर अलग से किधर? यार लोकल देखना चाहता है सांसद। लोकल सांसद, लोकल का मतलब लोकल तो सभी हैं, बस्सी वाले भी लोकल हैं, वो भी दौसा लोकसभा क्षेत्र में। हमारे यहाँ का तो लोकल है ना, यहाँ बांदीकुई का ही है वो। अच्छा, उसमें भी तो दो हो गए ना, एक तो हो गए नरेश मीणा और एक हो गए मुरारी मीणा। देखो नरेश मीणा को अगर पार्टी टिकट देती तो हम नरेश को देते। हाँ, अच्छा है, नरेश भी खराब नहीं है, लेकिन ये जो मुरारी है ना, जो अपने बूथ लेवल पर जुड़ा हुआ है गाँव में किसान परिवार से, मतलब अच्छा है। इस समय हमें बांदीकुई जंक्शन के बाहर और जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता का मूड क्या है। कांग्रेस ने तो मुरारी लाल जी को टिकट दिया है, भाजपा ने कन्हैया लाल जी को दिया है और एक और नरेश मीणा भी बागी हुए, तो क्या लगता है यहाँ पर आपको, क्या लगता है? समान ही लगता है सर मुझे। हाँ, समान ही लगता है। मतलब किसके जीतने की संभावना, क्या लगता है? संभावना तो दोनों के बराबर की टक्कर है। अच्छा, जो पिछले 5 साल में जो सांसद थी यहाँ पर जसकौर मीणा, उसे कितना विकास कार्य कराया होगा? विकास तो मोदी जी ने अच्छा कराया, मोदी जी ने अच्छा कराया। तो इस बार क्या लग रहा है, आ जाएंगे वापस से भाजपा? आ जाएगी, आ जाएगी। प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए देश का, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी? ये सोच रहे हैं बड़ा कि राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, देश का विकास कौन कराए? चलो एक बार बता दो यार। देश का विकास होना चाहिए अपन को, कोई भी हो जाए। चलो, इनके हिसाब से कोई भी हो, देश का विकास करवाने वाला हो चाहिए। एक भाई इनसे बात करते हैं, भैया नाम क्या है? मेरा नाम सचिन कुमार शर्मा। सचिन, आप युवा हो, सोचते बहुत होंगे निश्चित रूप से और सोच विचार करके ही वोट डालते होंगे, इस समय देश में कैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है? देखो सर, वैसे तो मोदी जी सही हैं, पर वैसे तो मैं कांग्रेसी हूँ तो कांग्रेस में ही वोट देता आया हूँ। तो क्या लगता है यहाँ पर मुरारी मीणा आराम से जीत जाएंगे या कन्हैया मीणा है? निकल जाएंगे आराम से। और तो नरेश मीणा जो बागी हो गया, जो उसका तो मैं कहने से मुरारी जी निकाल देंगे यहाँ से आराम से। हाँ, आराम से। दोस्तों, ये यहाँ की जनता है, इस बांदीकुई की जनता है, जिन्होंने अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में तो भाजपा का प्रत्याशी यहाँ से जीता है, लेकिन इस समय कुछ अलग ही जो लोगों से बात करने में जो सामने आ रहा है कुछ अलग आ रहा है, लेकिन ये जनता का मूड है। अभी किसी ने कहा था कि जनता का मूड है और अंतिम समय तक बदल जाता है, हम भी यही मानते हैं कि जनता का मूड वो परिणाम वाला होता है जो 19 अप्रैल को ईवीएम में बटन दबाते समय होगा और वही 4 जून को परिणाम के रूप में सामने आएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र की जनता के मूड से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।